चलें। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आपको जिसका था इंतज़ार वो आ चुकी है घड़ी, और आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल वो आउट हो चुका है। दोस्त, कब हुआ है ये देख सकते हैं आप। 3 तारीख 10वां महीना अक्टूबर 3 को ये रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। नाउ बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्या है सिस्टम पूरा आपका देख लो, ठीक है। मार्क्स 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, यानी कि एक एक अगर आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा दोस्त, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आपके पास कितने कंपोनेंट्स दे दिए हैं दोस्त? 5 कंपोनेंट्स दे दिए। नंबर 1 कंपोनेंट है इंग्लिश, 25 नंबर। तो भाई जिसकी इंग्लिश बिगड़ी हुई है ना, तो इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। अभी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है, आगे देखते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी कि ये इंडिया की जनरल नॉलेज, ठीक है, 25 नंबर। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, 25 और 10। तो ये जो जनरल नॉलेज है आपकी 25 और 10, 35 नंबर इसके आपको आगे, 25 नंबर इसके आगे दोस्त, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी दोस्त, इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंबाइन आ गया, 25 नंबर ये हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर 15 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, अभी बाद में बताता हूँ, देख लेते हैं थोड़ा। इंग्लिश में है आर्टिकल, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, टेंसेज, क्लॉजेस, प्रोनंसिएशन, सॉरी पंक्चुएशन, अच्छा उसके बाद में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, idioms and phrases, uses of preparation, दो सारे के सारे अपडेटेड चीज़ें ऑलरेडी हमने अपने बच्चों के लिए एप्लीकेशन पे अवेल करा दी हैं। बच्चे देख रहे हैं, उनको पता है। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स दोस्त, यहाँ पे समझ लें। नंबर 1 इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है और डेट्स पे खास फोकस देके आपको पढ़ना है। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है दोस्त, दोबारा से पढ़ाऊंगा, एक बार दोबारा से पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट इन वर्ल्ड, जिसमें एडवेंचर, स्पोर्ट्स और डिस्कवरीज, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसे पूछा जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया, एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरी, अच्छा ये भी देख लेंगे। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, पुत्र बोल रहा है पॉपुलर नेम यानी कि पर्सनैलिटीज, ठीक है, वो साइंटिफिक डिस्कवरीज की पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड पर्सनैलिटी हो सकती हैं, रिलीजन से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी हो सकती है। द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ठीक है, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया, इनके बारे में, न्यूज़पेपर्स पे सवाल, बुक्स एंड ऑथर्स पे सवाल आएगा दोस्त, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सवाल आएगा दोस्त, लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखेंगे, नेशनल लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कैपिटल एंड करेंसीज, कैपिटल्स, ठीक है, स्टेट एंड इसकी कैपिटल्स, और वर्ल्ड की भी पूछ सकता है, करेंसीज पे भी सवाल पूछ सकता है दोस्त, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वीटो पावर्स, नंबर ऑफ कंट्रीज, द मेंबर, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, डिफरेंट फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे आपको सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। बाकी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क है, आसियान कंट्रीज है, एवरीडे साइंस दोस्तों, ये भी आपको देखना है। फेमस वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स हैं जो साइंस में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं, नेशनल अवार्ड साइंस में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, ये भी देखने, यानी कि तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के अवार्ड्स भी पढ़ने, यानी कि आपको नेशनल इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के भी अवार्ड्स पढ़ने हैं दोस्त। इन्होंने 25 नंबर दिए हैं, ये 25 नंबर लेना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिसको हम ट्रिक्स की मदद से, कॉन्सेप्ट की मदद से, निमोनिक्स की मदद से पढ़ेंगे, बेफिक्र रहें। उसके बाद में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप इन इंडिया, ज्योग्राफी का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोस्तों आपका पॉलिटी का टॉपिक, ठीक है, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बाप रे, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि दोस्त यहाँ पे आपको पॉलिटी भी दे दिया है, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी दे दिया है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दे दिया है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको दे दिए गए हैं, तब जाके 25 नंबर मिले हैं दोस्त, ठीक है। आगे 10 नंबर के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर की नॉलेज जो है वो पूछी जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज, एब्रीविएशंस, पर्सनैलिटीज, अचीवमेंट्स, ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, देयर इंपैक्ट ऑन जेंड इकोनॉमी पढ़ा है, रिवर्स एंड लेक्स पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पढ़ी हैं, फिर से पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ जेंड के, हिस्टोरिक प्लेसेस, इंपॉर्टेंस ये पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे, RTA एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी,
एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ये आपकी इकोनॉमी के आगे, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी पूछी है, इकोनॉमी भी पूछी है, हाँ यहाँ पे आपको दोस्तों पॉलिटी से, करंट अफेयर से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में आपको पॉलिटी के सेगमेंट डायरेक्ट नहीं दी। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग, बेसिक अर्थमेटिक दोस्तों, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, दोस्तों ये आपका एडवांस मैथ है, ये आपका एडवांस मैथ है और इसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग में दोस्तों नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रीजनिंग तो आपको पता ही है, महारत है हमारे वर्मा सर, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शन, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, और दोस्तों कंप्यूटर्स में आपको पूछा गया है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई टर्म्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट, सर्च इंजन्स। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका सिलेबस है, ये आप देख लेते हैं, ठीक है, चलो। फिर टेली कम्युनिकेशन का अलग सिलेबस है, ये दोस्तों आप देख लेना टेली कम्युनिकेशन का, ठीक है, चलो, बेसिक और लगभग आपका सेम ही होगा टेली कम्युनिकेशन के लिए। देन फिर उसके बाद में जो आपका फोटोग्राफी है दोस्तों, उसके लिए सिलेबस ये है, ठीक है। यूजुअल आपका सिलेबस जो है दोस्तों मोर और लेस सेम ही सिलेबस है आपका, ठीक है, तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आपकी प्रेपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हो तो 999 में दोस्त हमारा कोर्स जो है आप अवेल कर सकते हो, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, और दोस्तों अभी ये जो जनरल नॉलेज आपसे पूछी गई है दोस्तों, 25 नंबर एक, 10 नंबर एक, तो 35 नंबर तो दोस्त मेरे हाथ में है, रेमो सर आपको 35 नंबर ये पढ़ाएंगे, ठीक है जी। 10 नंबर का कंप्यूटर आपको वर्मा सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी दोस्तों अगर आप देख लें तो वो भी आपको वर्मा सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश आपको पता है दोस्त कविता मैडम आपको पढ़ाती हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया है, बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस स्टाफ दोस्तों आपको ये पढ़ाने वाला है। 999 में सिर्फ ये कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नंबर 9149636808 दोस्त, आप इस पर कॉल करके आपकी सीट जो है बुक कर सकते हैं हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में दोस्त आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।